हाय एवरीवन, आज हम स्टडी करने वाले हैं रियल एनालिसिस वीडियो का। ये पार्ट 3 है और पिछले वीडियो में हमने काफ़ी कुछ फंक्शंस के बारे में डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन क्या होता है। ठीक है, तो इसमें हम आज इसका हम डिफिनेशन पढ़ेंगे, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन क्या होता है, और कुछ इसके रिजल्ट पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले, आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मैथ सर, ठीक है, और शेयर करें और प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला टॉपिक क्या है, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। तो चलिए देखते हैं क्या डिफिनेशन। इफ एफ सच दैट ए टू बी एंड अनदर फंक्शन जी सच दैट B to C are two function then we define the function G of F by g of fx, g fx, okay, for each x belongs to capital A यानी डोमेन। क्या है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का डेफिनेशन? इफ एफ सच दे, दो फंक्शन हमारे पास है, एफ सच दे ए टू बी एंड जी सच दे बी टू सी आर टू फंक्शन, देन वी डिफाइन द जी ऑफ एफ, जी आप एफ एक्स। तो यहाँ से क्या होगा, जी आप एफ एक्स क्या आएगा, जी एफ एक्स हो जाएगा फॉर इच एक्स बिलोंग टू कैपिटल ए, दैट इज द इमेज ऑफ एक्स अंडर गॉफ यानी जी आप एफ एक्स इज डिफाइन एज द इमेज ऑफ एफ एक्स, इमेज ऑफ एफ एक्स अंडर जी एक्स, देन जी ऑफ एफ इज कंपोजिशन ऑफ जी विथ एफ। ठीक है, तो ये आपका डेफिनेशन है कंपोजिशन फंक्शन जी एफ एफ एक्स का। जी एफ एक्स दैट इज द इमेज ऑफ एक्स अंडर जी ऑफ एफ इज डिफाइंड एज द इमेज ऑफ एफ एक्स अंडर जी एक्स, देन जी ऑफ एफ इज कंपोजिशन ऑफ जी विथ एफ। ठीक है, तो जी ऑफ एफ एक्स की मैपिंग आप देखें फंक्शन ए टू सी हो जाएगा। दो फंक्शन है डिफाइंड है, एफ ए टू बी एंड जी बी टू सी। तो अगर हम गॉफ यानी जी ऑफ एफ एक्स डिफाइंड करते हैं तो क्या हो जाएगा, ए टू सी हो जाएगा, यानी पहले फंक्शन का डोमेन दूसरे फंक्शन का कोडोमेन में हो जाता है। सच डैट जी ऑफ एफ एक्स इजकल टू जी एफ एक्स फॉर इच एक्स बिलोंग्स टू डोमेन। ठीक है, तो ये रहा आपका कंपोजिशन फंक्शन का डिफिनीशन। ठीक है, तो अगर हम इसकी बात करते हैं, कुछ रिजल्ट्स इस पर बात भी करेंगे इस पर हम, तो ये आपका कंपोजिशन फंक्शन है कि अगर हम जी ऑफ एफ एक्स निकालते हैं तो पहले फंक्शन का डोमेन दूसरे फंक्शन का कोडोमेन हो जाता है। अगर वही हमें एफ ऑफ जी निकालना हो तो b2 क्या हो जाएगा, b2 यहाँ से आपका c हो जाएगा, b2 आपका दूसरे फंक्शन जब निकालोगे तो यहाँ से b2 b हो जाएगा। ओके, कुछ हम इस पर रिजल्ट पर बात करेंगे, आइए देखते हैं कुछ इस पर रिजल्ट, कंपोजिशन फंक्शन का रिजल्ट क्या है। तो रिजल्ट देखेंगे हम, रिजल्ट फर्स्ट कंपोजिट
composite of function is not first क्या है composition of function is not commutative that is कभी भी g of f not equal to f of g होता है. फर्स्ट हमारा ये रिजल्ट था. सेकंड रिजल्ट क्या कहता है कंपोजिट ऑफ फंक्शन इज एसोसिएटिव दैट इज एच ऑफ जी ऑफ एफ इक्वल टू एच ऑफ जी एंड ओके. थर्ड नंबर हमारा क्या रिजल्ट है लेट आइडेंटिटी मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं इसमें हम एंड आई बी बी टू बी आर आइडेंटिटी फंक्शन आइडेंटिटी फंक्शन देन एफ ऑफ आइडेंटिटी ऑफ ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी ऑफ बी ऑफ एफ इक्वल टू एफ होता है. ये आपका रिजल्ट नंबर थ्री है वेयर एफ सच डेट ए टू बी. ओके रिजल्ट नंबर थ्री क्या कहता है हमारा. फोर्थ नंबर रिजल्ट कंपोजिशन ऑफ टू बाइजेक्शन इज ऑल्सो बाइजेक्शन. रूल नंबर रिजल्ट नंबर फोर हमारा क्या कहता है कंपोजिशन ऑफ टू बाइजेक्शन इज ऑल्सो बाइजेक्शन. ठीक है तो ये रहा आपका कंपोजिशन फंक्शन और उससे कुछ रिजल्ट्स हमने आज पढ़ा. अब नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे क्या है आइए देखते हैं. नेक्स्ट टॉपिक क्या है इनवर्स फंक्शन. इनवर्स फंक्शन की डिफिनीशन के बारे में हम पढ़ेंगे तो चलिए देखते हैं डिफिनीशन क्या है इनवर्स फंक्शन का. क्या डिफिनीशन है इफ एफ सच डेट ए टू बी कोई फंक्शन हमारा है इज वन 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 एंड ऑन टू. क्या कह रहा है कोई फंक्शन हमारा एफ है ए टू बी वन वन ऑन टू दोनों है देन वी कैन डिफाइन कोई फंक्शन हमारा है एफ सच डेट ए टू बी इज वन वन ऑन टू देन वी कैन डिफाइन इट्स इनवर्स फंक्शन तो एफ इनवर्स सच डेट बी टू ए सच डेट एफ इनवर्स बी का इमेज जो आएगा ये आएगा इफ बी बिलोंग टू कोडोमेन बी पेयर एफ ए इजकल टू एफ बी. अब इनवर्स फंक्शन की डिफिनेशन क्या है कोई फंक्शन हमारे पास है एफ ए टू बी है और वन 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 टू है तो उसको इनवर्स फंक्शन कैसे डिफाइन करेंगे. इनवर्स फंक्शन का डिफिनेशन क्या होता है जो को डोमेन है वो डोमेन हो जाएगा और जो डोमेन में है वो को डोमेन हो जाएगा. तो एफ इनवर्स सच डेट बी टू ए सच डेट एफ इनवर्स बी मतलब
इनवर्स फंक्शन में इसकी डिफिनेशन में क्या होता था, एफ ए इजकल टू बी होता था, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका डोमेन चेंज हो जाएगा, यानी कोडोमेन डोमेन हो जाएगा, यानी बी एफ इनवर्स बी इजकल टू ए हो जाएगा, बी बिलोंग टू तो आपका क्या होगा, डोमेन हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा आपका इनवर्स फंक्शन का डिफिनेशन। अब इस पर हम बेस कुछ रिजल्ट्स पढ़ेंगे, तो आइए रिजल्ट्स देखते हैं। रिजल्ट फर्स्ट इसमें क्या है, इफ एफ ए टू बी वन वन भी होगा और अन टू भी, एंड बी बी जी फर्स्ट सर्च रहे बी टू ए इज द इनवर्स ऑफ एफ, देन एफ ऑफ जी इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, बी में आइडेंटिटी, एंड जी ऑफ एफ इज इक्वल टू आइडेंटिटी ए। रिजल्ट नंबर वन क्या कहता है, कोई फंक्शन हमारे पास है एफ ए टू बी है और क्या है वो वन वन एन टू है, जी कोई अनदर फंक्शन है बी सच डेट जी सच डेट बी टू ए इज इनवर्स ऑफ एफ, देन क्या आना चाहिए, एफ ऑफ जी अगर निकालते हैं तो वो बी में आइडेंटिटी आना चाहिए, अगर वो जी ऑफ एफ निकालते हैं तो आई में आइडेंटिटी आना चाहिए, ए में आइडेंटिटी आना चाहिए। रिजल्ट नंबर टू हमारा क्या कह रहे हैं, अ फंक्शन इज इन्वर्टेबल, अ फंक्शन इज इन्वर्टेबल इफ एंड ओनली इफ इट इज वन वन एंड अन टू। रिजल्ट नंबर टू क्या कहता है इनवर्स फंक्शन का, अगर कोई फंक्शन इन्वर्टेबल है तो वो वन वन एंड अन टू दोनों होने चाहिए। रिजल्ट नंबर थ्री हमारा क्या कहता है, आइए देखते हैं। रिजल्ट नंबर थ्री कह रहा है द इनवर्स ऑफ फंक्शन इफ इट एग्जिस्ट इट इज यूनिट, अगर कोई फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो वो यूनिक होगा। आगे यहाँ पे देखिए क्या होता है, द इनवर्स इनवर्स ऑफ अ फंक्शन इफ इट इज एग्जिस्ट इट इज यूनिक, अगर कोई फंक्शन इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो क्या होगा, यूनिक होगा। ठीक है, रिजल्ट नंबर फोर हमारा क्या कहता है, रिजल्ट नंबर फोर क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। रिजल्ट नंबर फोर क्या कह रहा है, इनवर्स इनवर्स ऑफ बाइजेक्टिव बाइजेक्टिव या इन्वर्टेबल इन्वर्टेबल फंक्शन इज इन्वर्टेबल, अगर इनवर्स फंक्शन का इनवर्स बाइजेक्ट कोई भी बाइजेक्टिव या इन्वर्टेबल फंक्शन है उसका इनवर्स निकालते हैं तो क्या आएगा, वो भी क्या आएगा, आपका इन्वर्टेबल ही आएगा। तो ये था आपका रिजल्ट नंबर फोर। आगे देखते हैं फाइव रिजल्ट क्या कह रहा है, रिजल्ट नंबर फाइव हमारा क्या कह रहा है, इफ एफ सच डेट एक्स टू वाई एंड ई कामा एफ आर सबसेट ऑफ वाई देन, कह रहा है कोई फंक्शन हमारे पास है x टू y और e एन और f क्या है, y का क्या है सबसेट है, तो क्या क्या इसमें होगा, आपका इनवर्स ऑफ एम्प्टी सेट निकालेंगे वो भी इनवर्स आएगा, अगर e सबसेट है f का तो इम्प्लाई करेगा इनवर्स फंक्शन ऑफ e जो होगा वो सबसेट होगा इनवर्स फंक्शन ऑफ f के। ठीक है, उसके बाद इनवर्स आप
E यूनियन F का अगर इन्वर्स फॉर्म निकालते हैं तो F इन्वर्स E यूनियन F इन्वर्स F आएगा आपका। इसका रूल नंबर इसमें आगे क्या कह रहा है, इन्वर्स फंक्शन अगर E इंटरसेक्शन F निकालते हैं तो भी आएगा F इन्वर्स E इंटरसेक्शन F इन्वर्स F। ओके, तो ये रहा कुछ इसके रिजल्ट्स, ठीक है, इन्वर्स फंक्शन के कुछ रिजल्ट्स क्या हैं ये हमने पढ़ा अभी, ठीक है, इन्वर्स फंक्शन के रिजल्ट्स। आगे हम देखेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पढ़ने वाले इसमें आगे कि काउंटिंग कैसे करते हैं, फंक्शंस के हम काउंटिंग कैसे करते हैं, ठीक है, चलिए आइए देखते हैं फंक्शन की हम काउंटिंग कैसे करते हैं। तो आइए देखते हैं काउंटिंग, फंक्शन की हम कैसे काउंटिंग करते हैं, एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, कोई फंक्शन हमारे पास है एफ सच डेट ए टू बी, एंड मान लेते हैं लेट जो ए की कार्डिनलिटी है, नंबर ऑफ एलिमेंट जो ए में है वो कितने हैं, यम एलिमेंट हैं, एंड नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी कोडोमेन में कितने हैं, यन हैं, ठीक है, इसकी कार्डिनलिटी, ठीक है, मतलब डोमेन की कार्डिनलिटी कितनी है, यम है, और कोडोमेन की कार्डिनलिटी कितनी है, यन है। तो पहले इसमें क्या है, पहला हम इसमें क्या है, क्या काउंटिंग करना है, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, मतलब ए और बी में टोटल कितने फंक्शन बनेंगे, तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, n के पावर m फाइंड कर लेने हैं, ठीक है, इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं कार्डिनलिटी ऑफ b के पावर कार्डिनलिटी ऑफ a, ओके। तो उसमें अब सेकंड हमारा क्या है, टोटल नंबर ऑफ वन वन फंक्शन, टोटल नंबर ऑफ वन वन फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, कितने होंगे वन वन फंक्शन ए टू बी में, कितने वन वन फंक्शन होंगे अगर ए की कार्डिनलिटी एम है और बी की कार्डिनलिटी कितनी है, एन है। तो इसका एक फार्मूला क्या है, एन सी एम, ठीक है, इनटू फैक्टोरियल एम, इससे आप निकाल सकते हैं। और एक कंडीशन क्या है, इफ एम लेस देन इक्वल टू एन होनी चाहिए, मतलब ठीक है बी की कार्डिनलिटी क्या होनी चाहिए, बड़ा होना चाहिए, एम की कार्डिनल ये की कार्डिनलिटी इससे छोटी होनी चाहिए, तभी हम निकाल पाएंगे वन ऑफ फंक्शन। यानी कंडीशन क्या है, एक जो कार्डिनलिटी है बी से क्या होगा, छोटा होगा या उसके बराबर हो सकता है, एम लेस देन इक्वल टू, देन टोटल नंबर ऑफ वन फंक्शन क्या होगा, एन सी एम फैक्टोरियल इंटू फैक्टोरियल एम। आगे रूल नंबर इसमें आगे काउंटिंग हमारा क्या है, थर्ड, टोटल नंबर ऑफ वन वन फंक्शन फ्रॉम ए टू बी जीरो, कब जीरो होगा, इफ एम की कार्डिनलिटी बड़ी हो, मतलब ए की कार्डिनलिटी बड़ी हो जाए किससे, बी से। अगर आपको वन वन फंक्शन फाइंड करने हैं ये इसकी डोमेन की कार्डिनलिटी बड़ी है, कार्डिनलिटी आप बी से, तो डायरेक्टली बोल देना कि वन वन फंक्शन क्या आएंगे, जीरो आएंगे, ठीक है। इसमें आगे हमारा नेक्स्ट क्या है, फोर्थ नंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा भी गया है कई बार, टोटल नंबर ऑफ ऑन्टू फंक्शन फ्रॉम ए टू बी जीरो इफ एम लेस देन एन। बात करें हम ऑन्टू फंक्शन की, कि
आंटू फंक्शन में क्या होगा, अगर इसकी कार्डिनलिटी बी की कार्डिनलिटी से छोटी हो गई ये की कार्डिनलिटी, तो डायरेक्टली बोलना किसका आंटू फंक्शन क्या आएगा, जीरो आएगा। कभी भी आंटू फंक्शन आपको फाइंड करने हैं तो ए की कार्डिनलिटी क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए बी की कार्डिनलिटी से। ठीक है, तो आगे देखते इसमें। अब आगे फाइव नंबर, टोटल नंबर ऑफ आंटू फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। अब आपको आंटू फंक्शन निकालने हैं, ठीक है, अगर इफ एम जो कार्डिनलिटी आप ए है वो बड़ा होना चाहिए बी की कार्डिनलिटी से या उसके इक्वल हो। तब हमने क्या कहा कि अगर छोटी हो गई कार्डिनलिटी तो आंटू फंक्शन डायरेक्टली जीरो होगा, लेकिन अगर इसकी कार्डिनलिटी इससे बड़ी है, मतलब ए की कार्डिनलिटी बड़ा है बी की कार्डिनलिटी से, तब आंटू फंक्शन क्या आएगा। तो उसका एक फार्मूला है, समेशन आर बराबर वन टू एन माइनस वन के पावर एन माइनस आर एन सी आर और आर के पावर एम। ठीक है, एन सी आर का आप कॉम्बिनेशन पढ़े होंगे लोअर क्लास में, फैक्टोरियल एन, फैक्टोरियल आर, फैक्टोरियल एन माइनस आर का फैक्टोरियल, ये आप पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में। ठीक है, तो ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है कि आपको काउंटिंग, हमने आज बहुत इम्पोर्टेंट पढ़ा है काउंटिंग ऑफ फंक्शन, कैसे वन वन आन टू आप फाइंड करते हो उसके बारे में हमने पढ़ा। ठीक है, तो ये अच्छे से पढ़ना, अच्छे से याद करना, ये नेट जेआरएफ में मतलब सीएसआईआर नेट में कितनी बार पूछा गया, हम करेंगे क्वेश्चन ये। ठीक है, वन वन आन टू बेस पे क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन होंगे हम करेंगे। ठीक है, कुछ हम नोट्स में आइए देखते हैं, नोट्स में देखते हैं क्या है नेसेसरी कंडीशन, कुछ इसके हैं नेसेसरी कंडीशन फॉर अ फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू बी, टू बी वन वन फंक्शन is that less than equal to b। आपसे क्या इसमें कहा गया है कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन है a टू b, इसके आपके वन वन फंक्शन फाइंड करनी है, तो नेसेसरी कंडीशन है कि जो कार्डिनलिटी आप a होगा वो कार्डिनलिटी b से छोटा हो, लेस देन हो या उसके इक्वल्स हो। इफ अगर ऐसा नहीं होता है, कार्डिनलिटी आपके ग्रेटर देन कार्डिनलिटी या बी, देन वी कैन नॉट डिफाइन एनी वन वन फंक्शन। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम नहीं निकाल सकते कार्डिनलिटी वन वन फंक्शन। ठीक है, आगे देखते इसमें, अगर वही हम आंटू की बात करें, सपोज हमारे पास कोई फंक्शन ए टू बी है, अगर वो आंटू फंक्शन आपको फाइंड करना है, क्या आंटू फंक्शन, तो नेसेसरी है कि कार्डिनलिटी आप ए ग्रेटर देन इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ बी होना चाहिए, तभी आप आंटू फंक्शन फाइंड कर पाओगे। अगर ऐसा नहीं होता है तो आप फाइंड नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये कंडीशन दोनों आपको याद रखने हैं, रिमेम्बर रखना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है, आइए देखते हैं सिमिलर सेट किसे कहते हैं, सिमिलर सेट किसे कहते हैं। लेट कैपिटल सेट ए, कैपिटल ए एंड कैपिटल बी आर सिमिलर सेट
set A and B are two sets and non-empty sets A and B are said to be similar set if there exist a bijection between them. बाइजेक्शन बिटवीन देम कह रहा है कि अगर कोई फंक्शन दो सेट्स हैं, ठीक है, अगर वो सिमिलर हैं तो क्या होना चाहिए, वन वन एंड टू होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, फंक्शन हमारे पास डिफाइंड हो ए टू बी तो क्या वन वन एंड एंड टू, तो क्या होता है सिमिलर सेट। Let A and B are two sets and non-empty set A and B are said to be similar set if there exists a bijection between them. कोई दो sets हैं वो similar set कब होंगे, one one and two होने चाहिए दोनों set. Function A to B one one and two, A and B are similar and denoted by this symbol. A and B similar का ये symbol है notation करने का, तो similar होने के लिए condition यही है कि one one and two होने चाहिए, ओके और क्या होना चाहिए, आप अगर टू फाइनाइट सेट आर सिमिलर इफ ओनली इफ दे हैव द सेम नंबर ऑफ कार्डिनलिटी, अगर वो फाइनाइट सेट के हैं तो उनकी कार्डिनलिटी जो क्या होनी चाहिए वो सेम होनी चाहिए। तो सिमिलर सेट का डिफिनेशन ये रहा आपका, दो सेट कोई सिमिलर हैं तो वन वन एंड टू उनके बीच होना चाहिए, और अगर फाइनाइट है तो कार्डिनलिटी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो हमने पढ़ा आज बहुत इम्पोर्टेंट चीज़, हमने आज पढ़ा है कंपोजिशन फंक्शन क्या होते हैं, कंपोजिशन फंक्शन क्या होते हैं, उसके बाद हमने पढ़ा कि इनवर्स फंक्शन क्या होते हैं, कुछ उसके रिजल्ट पढ़े, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमने फंक्शन के काउंटिंग के बारे में पढ़ा, जो बहुत इम्पोर्टेंट है एग्जाम ऑफ व्यू से, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ, ठीक है। वीडियो का ये पार्ट थ्री है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मैथ सर चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, बाय बाय।